गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल। यहाँ पर मैंने ब्लू हेवन के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी आगे प्रोडक्ट्स यूज़ किया है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद मैं अपने फेस की अच्छे से टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करूँगी। टोनिंग के लिए मैंने गुड वाइब्स का रोज टोनर यूज़ किया है और यह बायोटेक का ऑयल फ्री लाइट जेल मॉइस्चराइजर है। इसमें विटामिन ई और हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है और समर में ये सभी स्किन टाइप को सूट करता है। और उसके बाद हम मूव करेंगे प्राइमर की तरफ। ये ब्लू हेवन का फ्लॉलेस मेकअप बेस ऑयल फ्री प्राइमर है जो हमारे स्किन पोर्स और फाइन लाइंस को फिल करता है और हमें सिल्की मैट फिनिश लुक देता है। प्राइमर यूज करने से आपका मेकअप काफी समय तक टिका रहता है। और प्राइस की बात करें तो ये बिल्कुल अफोर्डेबल है। अगर आप इन प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेस करती हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्राइमर ले लिया है और इसे मैं अपने फेस में अप्लाई करूँगी। जब भी आप प्राइमर यूज करें तो उसके कम से कम एक मिनट के बाद ही फाउंडेशन लगाएं। इसे लगाने के बाद मैंने फील किया है कि ये मेरे बेस को बहुत ज्यादा स्मूथ बना देता है और एक सिल्की मैट लुक देता है। नाउ ये ब्लू हेवन का हाइपर मैट फाउंडेशन है और ये हमें इस तरह की पम्प बॉटल में मिलता है और इसमें आपको 7 शेड्स मिल जाएंगे और आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड्स को चूज कर सकते हो। मेरे पास जो शेड है वो है 301 नेचुरल। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। मैंने पंप में थोड़ा सा फाउंडेशन ले लिया है और फिर इसको आप अपने फेस में डॉट डॉट करके अप्लाई करें। इसके बाद आप वेट ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन को ब्लेंड करो। वाओ, मुझे इसकी कवरेज बहुत अच्छी लगी और ये एकदम हाइड्रेटिंग है और साथ ही हम एक मैट फिनिश लुक देता है। ये फाउंडेशन लाइट वेट है और ये हमारे पोर्स को क्लॉग भी नहीं करता है। इसके साथ ही इसमें SPF 25 PA++ होता है जो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है ब्लू हेवन फ्लॉलेस लिक्विड कंसीलर। ये कंसीलर भी आपको 6 शेड्स में अवेलेबल है। आप जब भी कोई कंसीलर लेते हैं तो आप हमेशा अपनी स्किन टोन से एक शेड लाइटर ही चूज करें जिससे कि वो आपके फाउंडेशन के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ये हमें इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग में मिलता है और इसे अप्लाई करने के लिए हमें इसमें अप्लीकेटर अवेलेबल है जिससे कि हम इसे स्मूथली अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप अपने अंडर आई एरिया, अराउंड द नोज और जहाँ भी आपके स्पॉट्स स्कार्स हैं अप्लाई करें। ये कंसीलर अच्छी तरह से ब्लेंड होता है और इसका क्रीमी रिच फॉर्मूला फ्री कवरेज देता है, साथ ही साथ ये वाटरप्रूफ भी है। नाउ हम यूज करेंगे ब्लू हेवन फ्लॉलेस फिनिशिंग पाउडर। ये लूज पाउडर इस तरह की पैकेजिंग में मिलता है, साथ ही इसे अप्लाई करने के लिए इसमें पफ भी अवेलेबल है। ये एक ऑयल फ्री प्रोडक्ट है जो हमें नेचुरल फिनिश के साथ मैट लुक देता है जो समर मेकअप के लिए अमेजिंग है। ये एक लाइट वेट फॉर्मूला है। आप इसे अप्लाई करने के लिए ब्रश या पफ कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप ब्रश को लूज पाउडर में डैप करें और फिर इस तरह से टैप टैप कर लें। इससे ब्रश से एक्सेस पाउडर निकल जाएगा और उसके बाद आप इसे पूरे फेस और नेक में अप्लाई करो। अब हमारा बेस कम्प्लीट हो चुका है। नाउ हम आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप के लिए हम यूज करेंगे ब्लू हेवन की 12-in-1 ब्लेंडिंग आई शेडो पैलेट। आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले मैंने ब्रश में डार्क मैट शेड लिया है जिसे मैं अपनी आईलिड के ऊपर प्लेस करूंगी और उसके बाद एक लाइट शेड लेकर इसे इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैंने आईलिड के ऊपर मेटालिक शेड अप्लाई किया है। ये आई शेडोज इजिली ब्लेंडेबल हैं और इस पैलेट में आपको मैट और मेटालिक दोनों शेड्स अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं ये पैलेट सुपर पिगमेंटेड है। अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस मुझे ये आई शेडो पैलेट अच्छी लगी है। ये काफी अफोर्डेबल है और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये आई शेडो पैलेट जरूर परचेस करनी चाहिए। नाउ अब मैं यूज करूंगी ब्लू हेवन का काजल जो कि वाटरप्रूफ और स्मज प्रूफ है। मैंने इसे अपनी लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई किया है और उसके बाद मैं इसे हल्का हल्का अपर वाटर लाइन में भी अप्लाई करूंगी। ये है ब्लू हेवन का पेन आईलाइनर।
ये लाइनर आपको ब्लैक पिगमेंटेशन के साथ ग्लॉसी फिनिश देता है। ये लाइट वेट है और स्मूथली ग्लाइड होता है। मुझे ये आईलाइनर अच्छा लगा। ये एक पेन आईलाइनर है और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इससे इजीली लाइनर लगा सकते हैं। नाउ ये ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल है। एक्चुअली ये स्टाइलर है। इसमें आपको एक साइड में पेंसिल मिलेगी और अदर साइड स्पूली, जिससे आपको ब्लेंड करना इजीली रहता है। इसमें आपको दो शेड मिल जाते हैं, ग्रे और ब्राउन। मैंने ये ब्राउन शेड लिया है। ये वाटरप्रूफ और स्मच प्रूफ है। अभी मैंने आईलैश को कर्ल किया है और इसके बाद हम मस्कारा यूज करेंगे। ये है ब्लू हेवन का लेस ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा। इसकी पैकेजिंग बहुत ब्यूटीफुल है। इसे मैंने अपर और लोअर लैश में अप्लाई किया है। मैं इसे आपको हाईली रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन प्राइस वाइज ये अच्छा है। काफी अफोर्डेबल रेंज है और आपको ये पसंद भी आ जाएगा। नेक्स्ट हम फेस की कॉन्टोरिंग करेंगे, जिसके लिए मेरे पास ब्लू हेवन की कोई ब्रॉन्जर नहीं है। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन के आई शेडो पैलेट से डार्क और लाइट ब्राउन आई शेडो। मैं सबसे पहले अपने चिक बोन्स एरिया, नेक्स्ट जॉन लाइन और फिर उसके बाद फोरहेड पर हेयरलाइंस के पास और नोज की साइड में कॉन्टोरिंग करूंगी। नेक्स्ट अप्लाई करेंगे ब्लू हेवन सिमर मैट ब्लश, जिसमें मैंने शेड लिया है 501 डार्क पिंक। ये काफी डार्क शेड है, लेकिन जब मैंने इसे फेस में अप्लाई किया तो इसकी पिगमेंटेशन काफी अच्छी थी। ये इतना डार्क नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे हाइलाइटर की तरफ। ब्लू हेवन का कोई भी हाइलाइटर नहीं है, इसलिए मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। ये काफी एफर्टलेस है और आपके फेस में स्मूथली ग्लाइड होता है, जिससे एक नेचुरल लुक आता है। नाउ ये है ब्लू हेवन की पाउडर मैट लिपस्टिक। इसमें मेरे पास शेड है रूबी ग्लो RM03। ये काफी रिच और बोल्ड कलर है और ये मैट फिनिश लुक देता है, लेकिन इसके साथ साथ ये काफी हाइड्रेटिंग भी है, जिससे आपके लिप ड्राई और फटे फटे नहीं लगते हैं। ये है ब्लू हेवन का लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर और ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। ये पैराबिन फ्री है और इसमें प्रेजेंट है विटामिन ई, विटामिन B5 एंड अलॉय। ये नॉन स्टिकी, लॉन्ग स्टे और स्वेट प्रूफ है और एक मैट शाइन देता है। इसे फेस में अप्लाई करने से पहले बॉटल को शेक कर लें और उसके बाद बॉटल को फेस से 6 से 8 इंचेस की दूरी पर रखें और फिर इस तरह से टी फॉर्म में स्प्रे करें। देन स्प्रे करने के बाद आपको 5 सेकंड वेट करना है और अब ये हमारा मेकअप लुक कंप्लीट है।
आई होप गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।